नमस्कार, एफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि अभी इनकम टैक्स का टाइम चल रहा है, दिसंबर महीना चल रहा है 2021 का, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, अगर उसमें टैक्स आपको जमा करने की नौबत आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन जाके इनकम टैक्स कैसे भुगतान करना है वो चर्चा करेंगे। आइए 2 मिनट लगा के आपकी इस समस्याओं का निदान करते हैं कि कैसे आप खुद से इनकम टैक्स की टैक्स को आप जमा कर सकते हो। तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, incometaxindia.gov.in पे, राइट। चलिए, वहाँ पे हम इनकम टैक्स के साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन आएगा। आप देखिए incometaxindia.gov.in पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, वहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे ई पे टैक्स, राइट। यहाँ से ई पे टैक्स पे जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे, आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पे आप ध्यान से चालान नंबर 280 INTS 280 ही सेलेक्ट करना है आपको, सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करने के लिए या एडवांस टैक्स को पे करने के लिए। यहां से फिर आप प्रोसीड्स बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक मेनू ओपन होके आ जाएगा। आपको टाइम दिया जाएगा चालान को फिल करने के लिए 30 मिनट का, 30 मिनट के अंदर आपको सारे चालान फिल कर लेने होते, बट ये उतना टाइम लगता नहीं है, 2 से 3 मिनट में आपका काम हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल है तो टैक्स अप्लीकेबल यहाँ पे देखिए, अगर आप कंपनी के लिए पे कर रहे हैं तो कॉरपोरेशन टैक्स सेलेक्ट करेंगे, अगर आप खुद के लिए पे कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल है, सैलरी है, बिजनेस है आपका, तो यहाँ पे इनकम टैक्स अदर देन आप कंपनी को आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद आपको ध्यान से, अगर आप रिटर्न भरते समय आप टैक्स जो पे करने जा रहे हैं उसका नाम होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, राइट। ये 300 कॉलम को टिक करेंगे। अगर आप एडवांस टैक्स पे करने जा रहे हैं तो एडवांस टैक्स को, लेकिन अभी हम मेरा मेन फोकस है वो चर्चा है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने का। तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी कि अभी आपका फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक, जिसको फाइनेंशियल ईयर हम लोग बोलते हैं 2021, उसका टैक्स जो आप जमा करने जा रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 21/22 कहलाएगा, वो आपको पे करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप पेमेंट मोड को सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स को सेलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट मोड को सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट नेट बैंकिंग आएगा। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आपके लिस्ट में जो सारे बैंक है वो आपको अवेलेबल मिलेगा, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप ATM कार्ड से, जो डेबिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो लिस्टेड बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, HDFC, ICICI, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक, ठीक है, इनमें से कोई से भी आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, तो इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट करेंगे और आपके पास जो भी बैंक हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको डालना है वो है पैन नंबर, ठीक है। आप अपना पैन नंबर आप डालेंगे, आप अपना कोई भी एक पैन नंबर, मैंने एक डमी पैन नंबर यहाँ पे डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना। ध्यान रखिएगा, अभी आज दिसंबर महीने अभी चल रहा है आपका, या आपने पहले भी अगर रिटर्न फाइल कर लिया हो, अगर टैक्स नहीं जमा किया हो तो भी जमा कर सकते हैं, अभी आगे भी चल के आप जमा करेंगे मार्च 2022 तक, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो जाएगा ध्यान से वो 21/22 का जाएगा, ध्यान से रखना है। अगर ये साल गलत सेलेक्ट हुआ तो दूसरे साल में चला जाएगा टैक्स, 2021 से 22 आपको सेलेक्ट कर लेना है असेसमेंट ईयर, ठीक है। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालें, मान लेते हैं आपका एड्रेस जो भी रेस्पेक्टिव एड्रेस है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, जो रेड कलर का बटन है वो मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको डालना एकदम बेहद जरूरी है। यहाँ पे आप फिल करें डेटा को, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद कैपेचे कोड को डालना है, उसके बाद आप प्रोसीड्स बटन को आप प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने जो है, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बात है, फाइनेंशियल ईयर आपको इंडिकेट कर रहा है 2021, आप ध्यान से देखिएगा, और आपका नेम भी यहाँ पे क्रॉस करके आपको बता रहा है कि आपका नेम जो है क्या है। आप इसको डेटा को एक बार वेरीफाई करेंगे, आई एग्री बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद सबमिट टू बैंक कर देंगे। सबमिट टू बैंक करेंगे तो आपके पास जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको, इंटरनेट बैंकिंग को आपने सेलेक्ट किया था,
सबमिट कर देंगे इंटरनेट बैंकिंग के टैब को सेलेक्ट करके। अब आपके पास जो भी पर्सनल बैंकिंग या कॉरपोरेट बैंकिंग होगा, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड को डालेंगे, लॉग इन कर लेंगे। इसके बाद आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, उसमें आप जो भी अमाउंट बना है आपका टैक्स का वो फिल करके आप अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड को डालेंगे और OTP अगर आएगा, OTP को सबमिट करने के बाद आपका टैक्स जो है वो जमा हो जाएगा। उसकी कॉपी जो है आप डाउनलोड करके अपने प्रोफेशनल को या खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस चालान को डिपॉजिट्स मानते हुए आप अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि आप अगर खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं या प्रोफेशनल से भी फाइल करवाने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपको अगर ऑनलाइन जमा करना है तो वो कैसे आप जमा कर सकते हो, एक छोटा सा मेरा प्रयास था। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण।